तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि रूफ के ये तीन ऑप्शंस क्या करते हैं। पहला है रूफ सॉफिट, दूसरा है रूफ फेशिया और तीसरा है रूफ गटर। तो अब ये क्या ऑप्शंस है, ये क्यों काम में आते हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं रूफ फेशिया। तो रूफ फेशिया का क्या यूज है? आप जैसे ही रूफ फेशिया सेलेक्ट करेंगे तो आपको कोई इंटरफेस चेंज नहीं होगा। रूफ फेशिया एक्चुअली होता ये है कि रूफ के एजेस पर एक एक्स्ट्रा हम एक पार्ट लगाते हैं ताकि पानी नीचे चला जाए और रूफ से सट के बिल्डिंग में ना चला जाए। तो जैसे ही आप इसके एजेस पे यहाँ पर आओगे और क्लिक करोगे तो ये आपको फेशिया नजर आ जाएगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस रूफ के सारे एजेस, जो कॉर्नर एजेस होते हैं, वो सेलेक्ट करने हैं। जैसे ही आप एजेस पे क्लिक करोगे तो वहां पे अपने आप फेशिया लग जाएगा। सिंपल है, इसमें कोई बहुत ऐसा हार्ड नहीं है। सारे एजेस सेलेक्ट करके हमने इसको फेशिया दे दिया। फेशिया को मटेरियल कैसे देना है, फेशिया पे आप क्लिक करोगे एडिट टाइप और यहाँ पे आप उसको फेशिया मटेरियल दे सकते हो। तो ये हो गया पहला टाइप, इसको अब हम डिलीट कर देते हैं। रूफ का दूसरा टाइप है रूफ गटर। तो रूफ गटर पे क्लिक करेंगे, सेम है, कोई अलग नहीं है। रूफ गटर पे क्लिक करते ही यहाँ पे कोई इंटरफेस चेंज नहीं होगा। आपको करना सिर्फ ये है कि एजेस पर क्लिक करते जाना है। तो जैसे ही आप दो एजेस पे क्लिक करोगे ये आपका ऑटोमेटिकली गटर बना देगा। गटर का काम होता यही है कि जो रूफ से पानी आएगा वो इस गटर के थ्रू नीचे चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा रूफ गटर। अब इसको हम इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो यहाँ पर वर्टिकल प्रोफाइल दिया है, तो मैंने यहाँ 0.4 लिखा, तो ये 0.4 ऊपर हो गया। कंट्रोल जेड। आपको कितने डिस्टेंस पर चाहिए, जैसे ये हमारा 0.4 का है तो मुझे 0.2 डिस्टेंस पे गटर चाहिए। तो मैंने अप्लाई किया तो ये बीच में आ गया। तो ये इसकी सेटिंग्स है। हम एडिट टाइप करेंगे, यहाँ से आप मटेरियल चेंज कर सकते हैं, गटर की प्रोफाइल भी चेंज कर सकते हैं अगर आपको शार्प चाहिए या और कोई साइज का चाहिए तो अप्लाई कर देना। तो ये खुद ब खुद चेंज हो जाता है और इसमें ज़्यादा सेटिंग्स है नहीं। तो ये हो गया दूसरा टाइप, अब हम इसे डिलीट कर देते हैं। अब हम थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। रूफ का थर्ड ऑप्शन है रूफ सॉफिट। अब सॉफिट का काम क्या होता है मैं आपको बता दूं कि जब हम रूफ तो बना लेते हैं, हमारी रूफ तो बन गई, लेकिन आप देख सकते हैं कि वॉल और रूफ में फर्क है। यहां पर एक गैप बन रहा है जिससे आपको पता चल रहा होगा कि ये ऐसा लगता है कि एम्प्टी रूफ है, ये कंप्लीट कंस्ट्रक्शन नहीं है। तो यहां पर बीच में हम सॉफिट ऐड करते हैं इन दोनों के गैप के बीच में। तो ये कैसे करेंगे, तो रूफ सॉफिट, तो ये आपको पूछता है कि आपका रूफ कौन सा लेवल पर है। तो हमने लेवल 2 पर बनाया, यस। अब यहां पर पूरा इंटरफेस चेंज हो जाएगा और आपको यहां पर लेवल 2 में जाना होगा क्योंकि रूफ आपके लेवल 2 पर बनी है। तो अब हम, ये वॉल है और ये रूफ लाइन है, तो इसके बीच में हमको सॉफ्टवेयर ऐड करना है। पहला सॉफ्टवेयर,
दूसरा सॉकेट। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक लाइन इंटरसेक्ट हो गई है, तो इसको हम कर देंगे डिलीट, इसको कर देंगे डिलीट, और यहाँ पर एक क्लिक कर देना है। तो ये लाइन कभी भी कंटिन्यूस में होनी चाहिए, अगर ये लाइन कंटिन्यूटी में नहीं होगी तो ये तुरंत आपको दे देगा एरर। ये देखिए इसने दे दिया तुरंत एरर। तो कंटिन्यू करेंगे पिक लाइन, यहां पर ये सब भी वो एरर ही देगा, तो यहां पर इसको डिलीट कर देंगे और क्लिक कर देंगे। तो ये बन गया 3D में देखेंगे तो ये आ गया आपका कंप्लीट हुआ हुआ सॉकेट। तो देख रहे हैं आप, अब लग रहा है ना फिनिश्ड रूफ, ये कवर हो गया गैप। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग सॉफिट की हाइट एडिट करेंगे, थिकनेस। तो यहाँ पे एडिट टाइप और थिकनेस कर दिया 0.15। मटेरियल हम दे देते हैं रूफ, डिफॉल्ट रूफ, अप्लाई, ओके, अप्लाई, ओके। तो ये हो गया आपका सॉफिट। तो दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि सीलिंग का क्या यूज है और सीलिंग कैसे बनाते हैं किसी रूम में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर इस वीडियो में कोई भी सवाल तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हैं कि आपको कौन सा पार्ट नहीं समझा, तो वो पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर कर दूंगा। धन्यवाद।